शायद आप एक न्यू YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो बट यू कन्फ्यूज कि उसका नाम क्या रखें, या फिर आपका पहले से एक चैनल है बट आपको उसका नाम पसंद नहीं है एंड यू वॉन्ट टू चेंज इट। वट एवर द केस मे बी, आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने YouTube चैनल के लिए बेस्ट नेम मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा 6 वेज टू पिक द बेस्ट नेम फॉर योर चैनल। देन वी लर्न अबाउट द मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए वेन चूजिंग अ गुड चैनल नेम। आई विल ऑल्सो टेल यू कि इन पॉपुलर क्रिएटर्स को अपने चैनल का नाम कैसे मिला एंड सो मच मोर। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि वॉट इज अ गुड चैनल नेम। तो आज तक जब भी मैंने किसी चैनल के लिए नेम साइड किया है, भले ही वो मेरा चैनल हो या मेरे किसी फ्रेंड का, तो आई मेक श्योर कि वो नाम इन दो क्राइटेरियाज को हर हालत में फॉलो करे। इवन व्हेन मैंने डिकोडिंग वाईटी नेम सेलेक्ट किया था तो आई फॉलोड दीज टू क्राइटेरियाज। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वो नाम यूनिक होना चाहिए। अगर आप किसी पॉपुलर क्रिएटर को कॉपी करके उनके जैसा चैनल नेम रख लेते हो, देन नो मैटर वो नाम कितना भी अच्छा लगे, बिकॉज इट इज कॉपीड एंड नॉट यूनिक, लोग आपके चैनल को वैल्यू नहीं करेंगे। सो द मोर यूनिक योर नेम द बेटर। ऑल्सो नेम जितना यूनिक होगा उतने ही कम चांसेस होंगे कि उस नेम से पहले से कोई चैनल क्रिएटेड हो, विच मीन्स कि आप सर्च रिजल्ट्स में इंस्टेंटली टॉप पर आओगे फॉर योर नेम। द सेकंड क्राइटेरिया इज कि वो नाम सिंपल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिक नेम रखने के चक्कर में आप कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम रख दो जिसे कोई पढ़ ही ना पाए। लाइक डिकोडिंग वाईटी का नाम मैं डिसाइफरिंग वाईटी भी तो रख सकता था ना, मीनिंग तो उसका भी सेम है, बट नहीं रखा। Why? Because as far as I know, मेरे audience में से बहुत लोग इस नाम को उतनी आसानी से नहीं पढ़ पाते, और अगर पढ़ भी लेते हैं तभी बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता। एंड ऑफ कोर्स जो नाम पढ़ने में और समझने में ही मुश्किल है वो आपके माइंड को याद रहेगा क्या? I don't think so. And that's why your name should be simple so that people can easily read and pronounce it, easily understand it, and hence easily remember it. So you can try to think of any successful YouTube channel and ab dekhna ki un sabhi ke names in do criterias ko follow karte hain. Of course, there are examples of channels jinke 20 million, 30 million plus subscribers hain and yet their names don't follow these two important criterias. To inke bare mein thodi der mein janenge. Pehle video ke main point pe aate hain jiske liye aap sabhi ne is video par click kiya hai. 6 ways to pick the best channel name. आई वॉन्ट कि जैसे जैसे मैं ये 6 वेज और इनके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूं, साथ में आप भी सोचो कि अपने चैनल के लिए आप क्या नाम रख सकते हो। एंड अगर आपका नेम फाइनल हो जाए देन यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वे, दैट इज टू यूज योर ओन नेम। खुद का रियल नेम यूज करना इज अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप अपने नाम के अराउंड एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो। ध्रुव राठी, संदीप महेश्वरी, अमित बडाना, मार्क रोबर, मार्कस ब्राउनली और ना जाने कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना रियल नेम यूज किया है एज देयर यूट्यूब चैनल नेम। यूजुअली क्रिएटर्स अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम यूज करते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो हैव योर फुल नेम लाइक रे विलियम जॉनसन और जस्ट योर फर्स्ट नेम लाइक प्रेस्टन। अब ऑल्दो ये नेम फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है क्योंकि इसमें नाम पहले से ही डिसाइडेड है, बट स्टिल बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए ये तरीका शायद सही ना हो। हियर्स व्हाई। We know ki YouTube has more than 2 billion monthly users and thousands of channels are created every single day. With so many users on the platform, it's not a surprise ki almost har insaan ke naam se YouTube channel pehle hi created hai. Main koi bhi random Indian name soch sakta hu. Let's say Pawan Kumar. I'll go to YouTube, search that name, fir search filters mein jaakar type mein channel select kar lunga and you can see ki kitne sare channels pehle se bane hue hain Pawan Kumar naam se with as much as 100,000 subscribers. So agar aapka name bahut unique hai तब तो आप उसे YouTube चैनल के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि उस नाम से ज्यादा चैनल्स क्रिएटेड नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे। बट अगर आपका नेम कॉमन है देन उसे अपने चैनल के लिए यूज करना कैन बी अ मिस्टेक, बिकॉज आपको इनिशियल डेज में बहुत सारे चैनल्स के साथ कम्पीट करना होगा सर्च रिजल्ट्स में रैंक करने के लिए। एंड दैट्स वाई अगर आपका रियल नेम बहुत कॉमन है बट आप उसके अराउंड एक YouTube चैनल बिल्ड करना चाहते हो, देन यू कैन ट्राई द सेकंड वे टू पिक अ चैनल नेम, ऑल्टर्ड पर्सनल ब्रांड। इस टाइप के चैनल नेम्स में आप अपना रियल नेम यूज करते हो अलॉन्ग विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द टॉपिक और द नीश ऑफ योर चैनल। एग्जाम्पल, कोड विद हैरी, फाइनेंस विद शरण एंड इंग्लिश विद लूसी। You can see Harry, Sharon, Lucy, ये सभी बहुत ही कॉमन नेम्स हैं। बट क्योंकि इनके साथ ये एक्स्ट्रा वर्ड्स एडेड हैं, देयर चैनल नेम्स आर सो आइकॉनिक। सो नॉट ओनली आप अपने रियल नेम का यूज कर सकते हो इवन इफ वो कॉमन है, बट ऑल्सो इस टाइप के नेम से व्यूअर्स को डायरेक्टली पता चलेगा अबाउट योर कॉन्टेंट। तो एक वर्ड सोचो जो आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करता है एंड उसे अपने रियल नेम के साथ मिलाकर आप एक चैनल नेम क्रिएट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट कि आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, यू कैन गो फॉर समथिंग सिंपल लाइक सौरभ जोशी व्लॉग्स, आशीष चंचलानी वाइंस एंड जेडन एनिमेशंस, जिनमें एक्स्ट्रा वर्ड सिंपली क्रिएटर के नेम के एंड में एडेड है। After this, the third way is to choose a descriptive name. Descriptive names वो होते हैं जो आपके चैनल के content को clearly describe करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए डेली डोज ऑफ इंटरनेट। नाम सुनते ही वी कैन टेल कि इस चैनल पर हमें इंटरनेट के वायरल वीडियोस देखने को मिलेंगे एंड वो भी डेली। अनदर एग्जाम्पल इज द स्लो मो गाइज। द चैनल इज अबाउट टू गाइज मेकिंग स्लो मोशन वीडियोस एंड द नेम ऑफ द चैनल कन्वेज दैट इफेक्टिवली। एक और एग्जाम्पल है एप्पल एक्सप्लेन्ड, एक चैनल जो डेडिकेटेड है एप्पल और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। यू कैन सी ये तीनों नेम्स अपने चैनल के कंटेंट को क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं इन अ फ्यू वर्ड्स, एंड ये आप भी कर सकते हो। एक पेन और पेपर लो एंड बहुत ब्रीफ में लिखो कि आप अपने चैनल पर क्या करना चाहते हो, किस टाइप का कॉन्टेंट बनाना चाहते हो। फिर जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें कंबाइन करो एंड यू कैन क्रिएट एन आइकॉनिक नेम। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। लेट्स से वी हैव अ फूड रिव्यू चैनल, तो ऐसे में अगर कोई डिस्क्रिप्टिव नेम सोचना होगा तो आप क्या लिखोगे? आई वॉन्ट टू रिव्यू वेरियस काइंड्स ऑफ फूड और समथिंग लाइक दैट। फिर अगर इसके मेन वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो वी कैन क्रिएट अ नेम लाइक द फूड रिव्यूअर, राइट? बैम, पहले से एक चैनल इस सेम नाम से बना हुआ है विद 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, सो ऑफ कोर्स हम ये नाम यूज नहीं कर सकते। एंड अगर आप सोचो तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी लोग फेस करेंगे कि उन्हें एक बहुत ही कॉमन डिस्क्रिप्टिव नेम मिलेगा जिससे पहले ही किसी ने चैनल क्रिएट कर रखा है। एंड दिस इज वेयर वी टेक द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स। एज यू नो कि हमने अपने फूड रिव्यू चैनल का नाम द फूड रिव्यूअर रखा था, बट क्योंकि ये पहले ही किसी और ने ले रखा है वी कैन नॉट यूज इट। सो अब हम गूगल पर जाएंगे और अपने नेम के इंडिविजुअल वर्ड्स के सिनोनिम्स फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस नाम में दो वर्ड्स हैं, फूड और रिव्यूअर, तो मुझे फूड के कई सिनोनिम्स मिले हैं लाइक मील, डेलिकेसी, क्यूजीन, डिश, नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस। फिर है रिव्यूअर, इसके भी सिनोनिम्स सर्च किए तो आई गॉट एनालिस्ट, क्रिटिक, ऑब्जर्वर, जज एंड इवेल्युएटर। एंड नाउ इफ यू सी, आप इन वर्ड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई कर सकते हो एंड यू विल गेट सम अमेजिंग चैनल नेम्स जैसे कि द डेलिकेसी रिव्यूअर, द मील एनालिस्ट, द क्यूजीन जज एंड सो मच मोर। ये नेम सिंपल एंड अट्रैक्टिव तो है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई चेक्ड ऑन यूट्यूब, इन तीनों नेम्स से करंटली कोई चैनल्स नहीं बने हैं, सो दे आर यूनिक एज वेल। इसके बाद द फोर्थ वे इज टू क्रिएट अ निकनेम। इसमें बेसिकली आपको अपने रियल नेम के अराउंड एक निकनेम क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए पॉपुलर क्रिएटर मिथिलेश पाटनकर ने अपने फर्स्ट नेम से मिथ और लास्ट नेम से पैट को यूज किया एंड बन गया मिथ पैट, जो कि आज यूट्यूब इंडिया के सबसे आइकॉनिक नेम्स में से एक है। ऑफ कोर्स ऐसे नेम्स ढूंढना, क्रिएट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम हो सकता है क्योंकि हम सबका नाम मिथिलेश पाटनकर नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाओ तो यू कैन गेट एन अमेजिंग निकनेम। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, लाइक फेमस यूट्यूबर मार्किप्लायर। हिज निकनेम कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, मार्क प्लस मल्टीप्लायर। मार्क क्योंकि ये उनका फर्स्ट नेम है और मल्टीप्लायर इसलिए बिकॉज जब उन्होंने चैनल क्रिएट किया था तो ही डिसाइडेड कि वो कॉमेडी स्केच वीडियोस बनाएंगे जिसमें वो मल्टीपल कैरेक्टर्स का रोल प्ले करेंगे, हेंस द वर्ड मल्टीप्लायर। ये दोनों एग्जांपल सुनकर आपको लग रहा होगा कि एक निकनेम रखना बहुत डिफिकल्ट है, बट वॉट अबाउट यूट्यूबर रचित रू? रचित भाई ने तो सिर्फ अपने फर्स्ट नेम के एंड में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड कर दिए एंड बन गया एक यूनिक नेम रचित रू। देन वी हैव फेमस एनिमेटर आरजी बकेट लिस्ट। इस नेम में आरजी क्रिएटर के इनिशियल्स हैं विद स्टैंड्स फॉर रोहित गोगोई। बहुत सिंपल एग्जांपल्स भी हैं इसके, लाइक जॉर्ज नॉट फाउंड, वेयर द क्रिएटर हैज एडेड जस्ट अ फ्यू एक्स्ट्रा वर्ड्स टू द एंड ऑफ हिज फर्स्ट नेम। यहाँ जो नॉट फाउंड पार्ट है, इट इज टेकन फ्रॉम द वार्निंग 404 नॉट फाउंड जो वेबसाइट्स में आता है। सो ये बस कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे इन क्रिएटर्स ने अपने रियल नेम को क्रिएटिवली यूज किया है टू क्रिएट एन आइकॉनिक निकनेम। ऑफ कोर्स इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जो आपको फॉलो करना ही है। यू कैन कंबाइन पार्ट्स ऑफ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यू कैन ऐड अ फ्यू एक्स्ट्रा लेटर्स और वर्ड्स टू द एंड ऑफ योर नेम, और यू कैन प्ले अराउंड विथ योर इनिशियल्स। सो अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और देखो कि आपको क्या मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है, इट इज़ द ईजीएस्ट एंड इन फैक्ट इट कैन टर्न आउट टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स वी हैव कवर्ड बिफोर, एंड दैट इज टू चूज अ मीनिंगलेस और रैंडम नेम। हाँ, आपने सही सुना, एक मीनिंगलेस और रैंडम नेम जो आपके चैनल के कॉन्टेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एजुकेशनल चैनल वीसॉस। माइकल स्टीवेंस जो वीसॉस के क्रिएटर हैं, उन्होंने एक रैंडम नेम जनरेटिंग वेबसाइट यूज किया था जहां से उन्हें ये नाम मिला। बट अगर आप पूछो कि इस नेम का मीनिंग क्या है तो यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज इट मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। इट्स जस्ट अ रैंडम मीनिंगलेस नेम जनरेटेड यूजिंग अ वेबसाइट। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर प्यूडीपाई। ये नेम थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ प्यू इज द साउंड जो एक लेजर से आती है, Die comes from dying, which is what happens when you get shot by a laser. And finally, we have pie because Felix ko pie is bahut pasand hai. So maybe not meaningless, but still, kitna random hai ye.
एंड येट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स इन यूट्यूब हिस्ट्री. द रीज़न वाई मुझे चैनल नेम रखने का ये तरीका बहुत पसंद है इज बिकॉज यू कैन गेट एज रैंडम एज यू वॉन्ट एंड स्टिल फाइंड अ नेम जो इन दोनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करे. लाइक लिटरली आप डिक्शनरी से रैंडम वर्ड्स को ले सकते हो एंड यू कैन कंबाइन देम टू गेट अ नेम लाइक ऑलिव सीज़र, ल्यूनाबेरी टीवी, पॉन्डरिंग पेंगविन एंड वॉट नॉट. सो नॉट ओनली ये नेम्स बहुत ईजिली मिल गए बट ऑल्सो देखो कि ये कितने यूनिक हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टाइप ऑफ चैनल नेम. आई एम श्योर कि बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये नेम्स अच्छे नहीं हैं बिकॉज दे आर सो रैंडम, बट जस्ट थिंक प्यूडीपाई एंड वी सॉस भी कभी ऐसे ही रैंडम नेम्स थे डेट मेड लिटिल टू नो सेंस, बट क्योंकि इनका कॉन्टेंट अच्छा था और लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया, देयर नेम्स बिकेम सो आइकॉनिक. सो इस वीडियो से एक इंपॉर्टेंट टेक अवे लेकर जाओ कि चैनल नेम अच्छा होता नहीं है, उसे अच्छा बनाना पड़ता है. ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर भी दूंगा, आप ऐसे नेम्स हर नीश के चैनल के लिए यूज नहीं कर सकते. लाइक अगर आपका स्पिरिचुअलिटी का चैनल है एंड यू आर यूजिंग अ नेम लाइक ऑलिव सीज़र, देन इट विल साउंड रिडिक्यूलस एंड एक्सट्रीमली इनअप्रोप्रिएट बिकॉज वो चैनल के फॉर्मल वाइब से मैच नहीं करेगा. बट या गेमिंग जॉनरा में मेनली ऐसे नेम्स बहुत यूज होते हैं एंड वहां पर ऐसे नेम्स अच्छे भी लगते हैं बिकॉज इनमें ऑडियंस की एज ग्रुप पहले तो कम होती है एंड ऑल्सो बड़ा ही चिल सा कनेक्शन होता है व्यूअर्स के साथ, अनलाइक अ स्पिरिचुअल और अ हेल्थ केयर चैनल. एंड फाइनली अगर आपने इन पांचों वे से नेम फाइंड करने की कोशिश की बट यू कुडंट फाइंड एनीथिंग, देन इट्स टाइम टू यूज चैट जीपीटी. आपको सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब चैनल अबाउट एक्स वाई जी, सजेस्ट मी 10 यूनिक येट सिंपल चैनल नेम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टेक प्रोडक्ट्स का चैनल है तो आई कैन टेल दैट टू चैट जीपीटी एंड आप देख सकते हो उसने मुझे बहुत सारे नेम सजेस्ट किए हैं. इन सभी में से मुझे सर्किट स्नैप और नैनो नर्ड हब बहुत पसंद आ रहे हैं एंड आई चेक्ड ऑन यूट्यूब, अभी तक इन नेम से चैनल क्रिएटेड नहीं है. फिर आई कैन डू द सेम फॉर व्लॉगिंग एंड यू कैन सी आई गॉट सम रियली कूल नेम्स लाइक कैंडर क्रॉनिकल, क्वर्क क्वेस्ट डायरी एंड एक्वो एक्सपेडिशन. सो या बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीका ये नेम्स फाइंड करने का एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप इन नेम्स के वर्ड्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हो जैसा चैट जीपीटी बोल रहा है, या फिर आप इन वर्ड्स के सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हो जैसा मैंने किया था. ओके सो हमने चैनल नेम फाइंड करने के 6 वेज को देखा एंड शायद वीडियो देखते देखते आपको अपना चैनल नेम मिल भी गया हो, बट उससे पहले कि आप यूट्यूब पे जाओ और उस नाम से चैनल क्रिएट कर दो, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपके नेम में ये 3 मिस्टेक्स नहीं है. ये क्या है इनके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे. उससे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द चैनल्स जो इन दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते हैं. द फर्स्ट इज माइनक्राफ्ट यूट्यूबर ड्रीम हुज नेम स्ट्रिक्टली वायलेट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया. वी नो कि ड्रीम एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश वर्ड है एंड आई एम श्योर कि जब ड्रीम ने ये चैनल स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे चैनल्स होंगे विद द सेम नेम. बट क्या ड्रीम का चैनल ग्रो नहीं हुआ जस्ट बिकॉज हिज नेम वॉज नॉट यूनिक? एब्सोल्यूटली नॉट. एज हिज वीडियोज वेंट वायरल ही बिकेम नोन फॉर दिस कॉमन इंग्लिश वर्ड एंड ऑल्सो ड्रीम का चैनल सर्च रिजल्ट में भी पहले आने लगा. इसके बाद वी हैव दिस चैनल Words exact in a nutshell, ये नेम सेकंड क्राइटेरिया को वायलेट करता है बिकॉज ऑफ दिस हार्ड टू प्रोनाउंस जर्मन वर्ड इन द चैनल नेम, येट ये चैनल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. सो आई रियली वॉन्टेड कि मैं आपको इन क्राइटेरियाज के कुछ एक्सेप्शन दिखाऊँ सो डैट यू नो कि देर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर चैनल नेम एंड दैट इज योर कॉन्टेंट. ओके अब इन 3 मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट मिस्टेक दैट क्रिएटर्स मेक इज नॉट चेकिंग हैंडल अवेलेबिलिटी. उससे पहले कि आप अपना नेम फाइनल करो, यू शुड चेक कि उस नाम से यूट्यूब हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल्स ये सभी अवेलेबल हैं कि नहीं. इफ नॉट देन नेम में थोड़े वेरिएशंस करो. द सेकंड मिस्टेक इज इनकंसिस्टेंट केसिंग. लेट्स टेक दिस चैनल नेम. वॉट इफ मैं इसे ऐसे लिख दूँ? इट डजंट लुक गुड, राइट? ऑफ कोर्स. सो कंसिस्टेंट केसिंग जरूरी है टू मेक योर चैनल लुक प्रोफेशनल. एंड फाइनली द थर्ड मिस्टेक इज नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी गाइडलाइंस. जस्ट लाइक वी हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस फॉर मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, चैनल नेम रखते समय भी हमें यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है. सो डोंट फॉरगेट दैट. इन मिस्टेक्स को वीडियो में कवर करना जरूरी था बिकॉज बहुत से क्रिएटर्स इन्हें करते हैं, स्पेशली न्यू क्रिएटर्स. एंड इससे याद आया, मैंने न्यू क्रिएटर्स के लिए एक 17 मिनट गाइड बनाया है कि वो कैसे 2024 में अपना चैनल स्क्रैच से ग्रो कर सकते हैं. बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है विद ओवर 1 मिलियन व्यूज. सो जल्दी से इस पे क्लिक करो और देखो. एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा. बाय.